सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। के बाद हर चीज का जिक्र किया, लेकिन अगर किसी बात का जिक्र नहीं हुआ तो वो मसला है कश्मीर था। क्या मसला है कश्मीर के हवाले से भी जो बैरूनी दबाव है, रूस भी उसका एक हिस्सा है, और मामलात जो हैं उनको स्टेटस को की तरफ ले जाने की जो है वो कोशिश है, क्योंकि तजारत जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक अहम सिलसिला जो है वो इख्तियार जिसके अंदर तजारत बुनियादी अहमियत इख्तियार कर रही है, और ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान का अमन भी इसलिए ज़रूरी है कि रास्ते जो हैं वो खुल सकें, तो उसके नतीजे में कश्मीर का मसला जो है वो बैक बर्नर पर चला जाए। देखिए इसमें रूस की जो पोजीशन है और जिससे ये वाजे होता है कि उसकी कोई बात नहीं हुई है, इसमें मुझे लगता है कि उस पर आपको रूस से किसी किस्म की इंफ्लुएंस या किसी किस्म की हिमायत का इसकी तवक्को रखना सही नहीं होगा। ये मुझे तो वाजे मालूम होता है कि ये पोजीशन रूस की जो है वो लगभग वही होती जा रही है जो कि और ममालिक की इस खत्ते में रही है। तो अब सवाल ये है कि इसके अलावा रूस के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हो सकते हैं, और रूस की जो माजी में अफगानिस्तान में जो पोजीशन रही है वो किस किस्म की है। हमें याद रखना चाहिए कि उनको जब वो कहते हैं कि सब ग्रुप्स जो हैं उनकी वहां पर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो वो उसी सिलसिले की बात कर रहे हैं जब शुमाली अफगानिस्तान में एक नॉर्दर्न अलायंस बनी थी और उस नॉर्दर्न अलायंस की पुष्पनाई रूस के साथ दूसरे ममालिक के साथ रूस भी कर रहा था, तो उनके लिए ऐसे काम अफगानिस्तान में जरूरी है और वो समझते हैं कि उस काम लाने के लिए सब जो ग्रुप्स हैं उनकी वहां पे नुमाइंदगी होनी चाहिए जो भी हुकूमत बने। ये मेरी नजर में ये कबुलोव ने मॉस्को में भी मैसेज दिया था और जहां पे भी यही पैगाम लाए हैं। लेकिन जहां तक तिजारत का सवाल है और जहां तक इक्तसादी कोलैबोरेशन का सवाल है, मैं समझता हूं कि रूस अब तैयार है आपके साथ ये बढ़ाने के लिए, खास तौर पे क्योंकि जब आप सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया को रूस ने हमेशा अपना नियर अब्रॉड समझा है कि उसकी जो असल रसूख उस इलाके में है वो खासा है और उसको वो कायम रखना चाहता है और कहता है कि सब अमेरिका तो दूर है, ये तो हम पड़ोसी हैं और हमारा यहाँ पे असर रसूख ज्यादा होना चाहिए। और उसके लिए वजह भी है, अभी भी ताजिकिस्तान से, किर्गिस्तान से और उज़्बेकिस्तान से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि रूस में जाके अपनी रोजी कमाते हैं और इनकी रेमिटेंसेस पे इन तीनों की रियासतें चलती हैं। मैं आता हूँ नजमुद्दीन शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो कश्मीर के मामले पर हमारी एक सोच जो है उसमें एक उस तरह का जहरानापन दिखाई नहीं दे रहा है, ये सारा जो बैनुल अक्वामी दबाव जो है ये इकट्ठा हो रहा है कि नहीं पहले चीज़ों को, क्योंकि देखें सीज़ फायर पर जितने अच्छे तरीके से अब अमल हो रहा है LOC पर इससे पहले नहीं हुआ है, आपको ये दिखाई देता है कि सारे अनासर जो हैं हमारे, चाहे चीन हो चाहे रूस हो या इर्द गिर्द के ममालिक हों, ये है कि दबाव है कि पहले मामला ठीक किए जाएँ, तजारत बहाल हो, फिर आगे चल के देखेंगे कि कश्मीर क्या पे क्या सूरत हाल जो होती है। जैसे नजमुद्दीन शेख साहब भी कह रहे हैं कि आपको तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए रूस से। बिल्कुल सही फरमाया, और आपने अलूड किया था नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तरफ, वहां पर देयर इज अ क्लियर चेंज इन पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से भी और आर्मी चीफ की तरफ से भी, और आई थिंक यही सारे प्रेशर्स हैं
जो कि इस वक्त मुल्क की लीडरशिप के ऊपर हैं, फैट एफ से हमें बहुत ज्यादा रेस्पाइट नहीं मिल रही। हम बावजूद के हम बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं। रूस का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, जो बाइडन आ गया है, और देखिए उसने हमें क्लाइमेट चेंज पर जो समिट की है उस पर नहीं बुलाया। क्लूगरमैन का तबसरा था कि दिस इज प्रॉबेबली एक बहुत बड़ी ओवरसाइट है। नहीं, ये ओवरसाइट नहीं है, ये आई थिंक डेलिबरेट स्नब है, बिकॉज डेनियल पर्ल के ऊपर जो फैसला हुआ उससे अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं है। उसके अलावा उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि तालिबान को फोर्स करें कि वो निगोशिएटिंग टेबल पर रहे और आए। कश्मीर के ऊपर हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, रूस से बिलखसूस। और ये खुशी की बात है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों एक पेज पर हैं इस वक्त। कह जाए कि कुछ मिलिट्री और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं कि जी हमें कश्मीर पर चढ़ दौड़ना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। याद रखने की चीज है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी मूव्स की हैं, मगर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का एक्सटीरियर मनूवर या फॉरेन पॉलिसी, और ऑफकोर्स उनके पास बैकिंग भी बहुत सारी है, उन्होंने कन्विंस कर दिया पूरी दुनिया को कि आप हमारा 370 और 35A को प्लीज मत नोट करें, आसाम में जो हम कर रहे हैं वो मत नोट करें, आप खाली नोट करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एलिगेशन हैं वो सही हैं। ये खुशी की बात है कि अब कोई भी बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एपिसेंटर है टेरर का, लेकिन कश्मीर के ऊपर इस वक्त हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में मेरे ख्याल में हमने सही मैसेज दिया है दुनिया को कि हम अपनी इंटरनल घर को सही करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके का इनका रिएक्शन रहता है, ये किस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में रसिया के फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट किया, हालांकि वो भारत से गए थे, मतलब भारत में पहले विज़िट किया उसके बाद वो वहाँ पर गए, और पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के लोग ये चर्चा करने लगे कि कश्मीर पर उनने क्या बात की। मतलब ये तो इनकी एक तो मतलब सोच है, ये तो इनकी डिप्लोमेसी है। तरीके के बेवकूफ लोग मैंने आज तक नहीं देखे। किसी दूसरे देश का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, आप उससे कहीं ना कहीं से कश्मीर पर बयान उगलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये देश तो डेफिनेटली इनके पास कोई मतलब ब्रॉड थिंकिंग नहीं है, इनके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, इनके पास कोई अक्ल नहीं है, मैं तो सीधा बोलना चाहूंगा। और पाकिस्तान के मतलब इस जो पत्रकार है इसने क्लियरली बोल दिया कि धारा 370 और आर्टिकल 35A में भारत के साथ सारी दुनिया खड़ी है, आप कुछ नहीं कर सकते, भारत ने सबको मतलब अपने तरीके से कन्वेंस कर लिया है। तो पाकिस्तान की इस तरीके की सोच है, पाकिस्तान सोचते हैं कि हम किसी बड़े नेता से या किसी बड़े लीडर से, किसी बड़े देश के प्रेसिडेंट से ये करवा लेंगे, वो करा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तक ने कश्मीर की बात कर दी थी, क्या उखाड़ लिया आपने। उसने ये भी बोला था कि हम इमीडिएट कराएंगे दोनों देशों के बीच में, लेकिन बाद में आया कि ये दोनों देशों का मसला है, मैं कुछ नहीं करूँगा। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान के जो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे बोलूँगा यह कश्मीर भूल जाओ, आपको अगर तरक्की करना है कश्मीर भूल जाओ, आप भी बांग्लादेश की तरह कुछ ग्रो कर लोगे, नहीं तो फिर वैसे ही आप लोग मीम्स चलाते हो कि मुग़ल टाइम पे इतना था, इकोनॉमी ये था वो था ये था, भैया पाकिस्तान में पूरे मुग़ल हैं, पूरे मुसलमान हैं, सब कुछ है, ले आओ ना इकोनॉमी टॉप पे कर दो ना। ये फालतू की बातें करना बंद करो यार, कश्मीर ये वो जमाने भर की चीज़ें। और ये रशियन, ऐसे में कोई दूसरे देश का फॉरेन मिनिस्टर क्या कोई भी आएगा नहीं कि ये भिखारी लोग या तो एक तो पैसे मांग लेंगे या तो फिर भारत के खिलाफ कुछ उगलवाएंगे या कश्मीर ये वो, ऐसी चीज़ें कोई दूसरा देश का नहीं कर सकता। आप भूटान तक को कन्वेंस नहीं कर पाओगे, रसिया तो दूर की बात है। हाँ आपके दो तीन देश हैं उनके नाम आपको भी पता है कि दो तीन देश पाकिस्तान के प्यारे हैं, जैसे कि टर्की पाकिस्तान का ना कश्मीर पे सपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाइना भी सपोर्ट करता है, और एक महातीर मोहम्मद नाम का शख्स था, उसका देश का नाम था मलेशिया, वो उसे भगा दिया, मलेशिया भारत के साथ आ गया। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, ईरान ने भी कुछ हद तक सपोर्ट किया था लेकिन वो भी आ गया। तो ये फालतू की चीज़ें छोड़ें, फोकस ऑन योर